श्री देवी संपद अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय के छात्र जिस नाटक का शीर्षक है स्वस्थ जीवन शैली, आप देखेंगे हम अपने जीवन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। दादाजी 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 दादाजी, आपको पता है आज हमने एक नई बात सीखी है। हाँ बेटा, मुझे भी बताओ तुमने क्या सीखा। दादाजी, आज हमने यह सीखा कि हम अपने जीवन को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। हाँ हाँ, बताओ बेटा अपने जीवन को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। दादाजी, हमें रोज चौमिन, मोमो, पिज्जा, बर्गर खाते रहना चाहिए, इससे हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। अच्छा है बेटा, बचपन में मैंने भी एक बात सीखी थी, वही बात आज मैं तुमको बताता हूँ। लिव वन वे एट अ टाइम, पुट वन ब्रेक इन अ डे। परमात्मा रोज हमें जीने के लिए सिर्फ एक दिन देता है। आपके शरीर में दिमाग से ज्यादा बदमाश कोई नहीं है, ये बना इसलिए था कि आप इसका इस्तेमाल कर सकें, इसका यूज कर सकें। लेकिन होता यह है कि दिमाग आपको इस्तेमाल करता है, वह जैसा चाहता है वैसे नचाता है। बरखुरदार, जैसा कि आपने देखा हमारे शरीर में हमारे दिमाग से ज़्यादा बदमाश और कोई नहीं होता है। ये बना इसलिए था कि हम दिमाग का यूज करें, लेकिन होता क्या है, ये दिमाग जो है वो हमारा यूज करता है, वो जैसा चाहता है वैसा वो हमें नचाता है। ये हमारे सभी छात्र उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष और पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, और आइए अब आगे देखते हैं। सच है घर तो सच है, मन भी सच है, देश समाज। लड़कों, ए लड़कों इधर आओ, तुम ये कूड़ा क्यों फैला रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि भारत देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है और जगह जगह कूड़ा फैलाना एक गैर कानूनी है। अरे श्रीमान जी, आप यहाँ कैसे, कोई विशेष कार्य? अरे मैं तो यहाँ टहलने आया था, तब तक मैंने यहाँ इन दो लड़कों को कूड़ा फैलाते हुए देखा। क्या ये आपके गांव के हैं? हाँ हाँ, ये मेरे ही बगल पड़ोसी हैं। आपको पता नहीं है कि भारत देश में कूड़ा फैलाना एक गैर कानूनी है? आप इन्हें समझाइए, नहीं तो मैं इन पे ऐसा केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते फिरेंगे। अरे मेरी बिल्ली, मेरे को ही म्याऊ, हमारे ही होके हमारे गांव वालों को ही केस करोगे क्या? मैं इनको समझा दूंगा कि हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है कि अपना घर का कूड़ा बाहर ना फेंके और गंदगी ना करें। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश के आदरणीय